हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, आपने पहले से पहले वीडियो में बात की थी कि हम ग्रो ऐप के अंदर कैसे पहला स्टॉक बाई करें, कैसे उसको सेल करें, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर हम सेल स्टॉक को कैसे बाई और सेल करें और कैसे हम स्टॉक को बाई करके लॉन्ग टर्म में स्टॉक होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं कि हम कैसे ग्रो ऐप के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। दोस्तों, आप लोग क्या करते हो कि 99% लोग आज भी जो ट्रेडर्स हैं, जितने भी ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर, वो स्टॉप लॉस लगा के रखते ही नहीं है। यानी कि होता क्या है कि हमारी जो कैपेसिटी है लॉस लेने की, आज हम 500 रुपये का लॉस ले सकते हैं, लेकिन हम स्टॉप लॉस लगाते नहीं, जिसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी हमारा जो मार्केट इतना वोलेटाइल होता है कि हमें 500 की जगह पर ना 5000 तक का लॉस हो जाता है, और एकदम से हम देखते हैं कि यार इतना लॉस हो गया हमें। तो हमें हमेशा क्या करना है कि हमें स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए। यानी कि होता यह है कि देखिए, आपने मान लीजिए कोई ट्रेड ली, आपने ट्रेड ली, मान लीजिए आपने 10,000 रुपये मार्केट में लगा दिए और आपने आज का टारगेट बनाया कि भाई आज मैं ना 10,000 का लगा रहा हूँ, तो 10,000 से मैं 500 रुपये मैक्सिमम मैं क्या करूँगा, अपना लॉस लूँगा, बस 500 ज़्यादा 1 रुपये नहीं लूँगा, लेकिन जब प्रॉफिट होगा तो मैं प्रॉफिट अच्छा खासा लूँगा। लेकिन हम लोग क्या होती है, हम उल्टा करते हैं, लॉस तो हम लेते रहते हैं, क्या करते हैं, 500 लॉस हो गया, अरे यार थोड़ा और देख लेते हैं, मार्केट अभी ऊपर जाएगा, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, फिर देखते हैं मार्केट 700 रुपये पहुँच गया, 700 रुपये का लॉस हो गया, अरे यार मन नहीं मानना है, अभी मार्केट और ऊपर जाएगा, फिर हम देखते हैं और वेट करते हैं, हमारा 1,000 रुपये पहुँच जाता है लॉस। तो इस तरह से करते करते ना हमारा लॉस हम बढ़ा लेते हैं, लेकिन जब प्रॉफिट की बारी आती है तो जैसे ही हम 500 रुपये का प्रॉफिट देखते हैं मार्केट से तुरंत निकल जाते हैं, मार्केट से जैसे 700 का प्रॉफिट देखते हैं मार्केट तुरंत निकल जाते हैं। लेकिन अगर मार्केट को हम ट्रेल करें, मार्केट को हम फॉलो करें, तो 500 ही नहीं, आपको हो सकता है वो 5,000 भी प्रॉफिट करा के दे दे। तो हम क्या करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, ज़्यादा लॉसेज हो जाते हैं। तो हमें कभी भी ट्रेड लेना है तो हमेशा स्टॉप लॉस लगाइए, चाहे आप छोटे ट्रेडर हो चाहे बहुत बड़े ट्रेडर हो। अभी रिसेंटली एक बंदे का ना करोड़ों का नुकसान हो गया था, क्योंकि वो स्टॉप लॉस लगाना भूल गया था, और स्टॉप लॉस की वजह से हुआ क्या कि ना मार्केट में एक झटके के अंदर बंदे को करोड़ों का नुकसान करवा दिया। तो इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए हम चलते हैं मोबाइल ऐप पर और हम बताते हैं ग्रो ऐप के अंदर कि किस तरीके से हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ग्रो ऐप को ओपन कर लिया है और ग्रो ऐप के अंदर मैं यहाँ पे आ जाऊँगा एक्सप्लोर के अंदर, रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर देता हूँ, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में स्टार्ट कर लेता हूँ। और आप देखेंगे यहाँ पर कि एक्सप्लोर के अंदर मैंने ग्रो ऐप ओपन कर ली है और उसके अंदर आपको मैंने बताया था कि एक्सप्लोर क्या होता है, होल्डिंग क्या होती है, पोजीशन क्या होती है, ऑर्डर क्या होते हैं, और ये वॉच लिस्ट आ रही है यहाँ पे आपकी, न्यूज़ पैनी वॉच लिस्ट बनानी है तो आप बना भी सकते हो यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया, अब मैं बताऊंगा, मान लीजिए कि इस स्टॉक के अंदर आप इस वीडियो के अंदर क्या सीखोगे कि स्टॉक को बाई कैसे करना है, सेल कैसे करना है, और साथ के साथ हमें स्टॉप लॉस भी लगाना है। स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, किसी भी स्टॉक के बारे में चीज़ों को समझना है, सीखना है, तो आप उसको क्या है, पर्टिकुलर कोई स्टॉक देख लीजिए। जैसे कि मैं टाटा स्टील को ओपन कर लेता हूँ, टाटा स्टील में एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मैं नहीं कह रहा कि आपको टाटा स्टील के अंदर पैसे को लगाना है, ये मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, ठीक है ना। आप जब भी कभी पैसा लगाएं तो उसकी रिसर्च जरूर कीजिएगा कि हमें पैसा इसमें लगाना है कि नहीं लगाना है, ठीक है। तो आप इस स्टॉक के अंदर, मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया टाटा स्टील, इसके अंदर मैं बताऊंगा कि मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, मान लीजिए इसके अंदर, तो मैं स्टॉप लॉस कैसे लगाऊंगा, ये चीज़ आप इसके अंदर सीखेंगे। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, सेल और बाई। जैसा कि आपको पता होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर सेल भी हम पहले कर सकते हैं, फिर बाई बाद में कर सकते हैं। आपको लगता है कि स्टॉक अभी ऊपर चल रहा है और स्टॉक का प्राइस नीचे आने वाला है, चाहे वो न्यूज़ बेस्ड या कैसे भी नीचे आने वाला है, तो आप पहले सेल कर सकते हो उस स्टॉक को, फिर हम बाई कर सकते हैं। ये सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर होता है, आप डिलीवरी में ऐसा नहीं कर सकते हो। आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर टाटा स्टील का प्रोडक्ट है, स्टॉक है ये अभी कुछ समय बाद, एक घंटे बाद या दो घंटे बाद ऊपर जाने वाला है, तो आप पहले इसको बाई करेंगे, फिर इसको प्रॉफिट बुक करने का सेल कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, बाई पर क्लिक कर दिया, हम लोगों ने। तो यहाँ पे देखिए टाटा स्टील का अभी भाव कितना चल रहा है, 164.85 रुपीज़ चल रहा है, और यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, डिलीवरी और इंट्राडे। डिलीवरी का मतलब ये होता है कि आप स्टॉक को आपको आज नहीं बेचना है, आज के बाद आपको कल बेचना है, एक महीने बाद, एक साल बाद, 10 साल बाद बेचना है, तो आप डिलीवरी में बाई करते हैं स्टॉक को, बाई करके आप होल्ड करते हैं, बस सिंपल। सेल नहीं करना है, सेल कब करना है, जब आपको प्रॉफिट बुक करना है, तो चाहे वो एक महीने बाद चाहे एक साल बाद। इंट्राडे मैं सेलेक्ट कर लिया क्योंकि मैं इंट्राडे करना है मुझे, क्योंकि आज ही की आज स्टॉक को क्या करना है, मुझे बाई करना है फिर सेल करना है, क्योंकि मुझे प्रॉफिट बुक करना है आज ही की आज ही, ठीक है। तो यहाँ पे NSE क्वांटिटी आ रही है, आपने क्या डाल दिया, यहाँ पे मान लीजिए एक क्वांटिटी डाल दी या 1,000 क्वांटिटी डाल दी, आप जितना भी कैपिटल है आपका, जितना भी फंड है जिससे आप ट्रेड करते हो, उतने से आप कर सकते हो। मैं एग्जांपल तौर पर आपको सिखा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने एक क्वांटिटी डाल दी इसके अंदर। यहाँ पे नीचे दो चीज़ें आ रही है, प्राइस मार्केट या फिर लिमिट। प्राइस मार्केट और लिमिट का मतलब भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ। प्राइस का लिमिट का मतलब ये होता है कि अभी इसका भाव चल रहा है 164.95 रुपये समथिंग चल रहा है,
आपको लगता है कि 163 रुपये पर आएगा या 164 रुपये पर आएगा, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, 163 या 164 रुपये डाल देंगे, और जैसे 164 रुपये आएगा आपका स्टॉक क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। ठीक है, इसके एट द मार्केट प्राइस क्या होता है, प्राइस मार्केट के अंदर होता है कि मार्केट में जो भी भाव चल रहा होगा इसका, आपका स्टॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि आप बाई कर लोगे। ठीक है ना, नीचे देखिए क्या आ रहा है, नीचे एड स्टॉप लॉस, एड स्टॉप लॉस आ रहा है यहाँ पे, इस पर क्लिक कर देंगे आप तो यहाँ पे आ रहा है सेल ऑर्डर, यानी कि आप साथ की साथ में भी सेल ऑर्डर इसका यहाँ पे लगा देंगे आप। ये स्टॉक टू इन वन स्ट्रेटेजी होती है, टू इन मतलब आपका बाई हो जाएगा, कहाँ पे बाई होगा, एट मार्केट प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे जैसे ही ये स्टॉक आप ऑर्डर दे देंगे, एक्सचेंज पे NSE पे जाएगा, एक्सचेंज पे जाएगा ये ऑर्डर, और वहाँ पे जो भी भाव चल रहा होगा टाटा स्टील का, वो उसको बाई कर लेगा। और स्टॉप लॉस बोल रहा है यहाँ पर कि भैया हमें कितना स्टॉप लॉस लगाना है, मान लीजिए आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, नीचे लिखा रहा था कि SL यानी कि स्टॉप लॉस प्राइस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, आपका जो स्टॉप लॉस है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। आपने लगा दिया मान लीजिए कि 5 रुपये का, यानी कि आपने 5 रुपये लिख दिया यहाँ पे, इसका मतलब ये हो गया कि देखिए नीचे लिखा रहा है स्टॉप लॉस प्राइस शुड बी बिटवीन 147 से 179.65, यानी कि आपका ये होना चाहिए। तो आपने यहाँ पे 5 कर दिया, तो देखिए यहाँ पे बैलेंस कितना आ रहा है, 999 आ रहा है, और जो मार्जिन आ रही है 5x आ रही है। आपको इंट्रा ट्रेडिंग के अंदर ये भी पता होगा कि हमारे पास अगर 100 रुपये हैं हमारे अकाउंट के अंदर, तो हम 500 रुपये तक के स्टॉक बाई कर सकते हैं, यानी कि हमें इंट्रा ट्रेड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकरेज डिफरेंट डिफरेंट की लिमिट की हमें क्या देती हैं, मार्जिन देती हैं। तो यानी कि मेरी देखिए चीज़ 165 रुपये की है, लेकिन मुझे मिल कितनी रही है, 34 रुपये की मिल रही है, यानी कि मुझे मार्जिन मिल रही है कि मैं इंट्राडे के अंदर मार्जिन 5x मिल रही है, यानी 5 गुना पैसा मैं आज के आज स्टॉक बाई कर सकता हूँ, फिर उनको सेल करके पैसा कमा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 रुपये का स्टॉप लॉस डाल दिया, यानी कि मेरा जो मार्केट प्राइस जो भी होगा 165 रुपये, यानी कि 160 जैसे ही आ जाएगा प्राइस, मैं इससे निकल जाऊँगा, सेल हो जाएगा मेरा ऑर्डर। तो आप इस तरीके से स्टॉप लॉस इसके अंदर लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो मैंने क्या किया, बाई पे क्लिक कर दिया, तो बाई पे जैसे क्लिक कर दिया कर दूंगा मैं, तो यहाँ पे देखिए बाई ऑर्डर सक्सेसफुल, डन पे क्लिक करूंगा, डन पे क्लिक करूंगा तो मैं पोजीशन के अंदर आ जाऊंगा। पोजीशन में देखिए यहाँ पे क्या है, एक IRFC का एक स्टॉक पड़ा हुआ है यहाँ पे, जिसमें -10 पैसे का लॉस है, मैंने एक वीडियो बनाया था ये उसका दिखा रहा है। अभी मैंने टाटा स्टील खरीदा था उसका, देखिए टाटा स्टील खरीदा है मैंने, तो यहाँ पे देखिए आपका टाटा स्टील की जो डिटेल देखेंगे तो -10 पैसे का लॉस हो रहा है, और उससे पहले आप देखेंगे +1 लिखा रहा है, यानी कि मैंने क्या है एक स्टॉक बाई किया है इसलिए 1 लिखा रहा है +1, और यहाँ पे 165 रुपये 10 पैसे पे मैंने ये बाई किया है। और इस तरीके से मैंने क्या है इसके अंदर स्टॉप लॉस ऑर्डर भी डाला है, यानी कि जैसे ही इसकी प्राइस, अब देखिए मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आराम से मस्त मार्केट में घूम सकता हूँ, खा पी सकता हूँ, इंजॉय कर सकता हूँ, टीवी देख सकता हूँ। यहाँ पे क्या है, जैसे ही मेरा अगर स्टॉप 110 से 160 रुपये से नीचे आएगा तो मैं ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाऊँगा, यानी कि मेरा लॉस फिक्स है 5 रुपये का। एक स्टॉक में एक क्वांटिटी मैंने बाई किया तो मेरा फिक्स है 5 रुपये का लॉस हो जाएगा मुझे, लेकिन जैसे मुझे ऊपर जाएगा स्टॉक 165 से 170 चला जाए, 180 चला जाए, तो मैं प्रॉफिट क्या कर दूंगा, उसको एग्जिट हो जाऊंगा और मैं अपना प्रॉफिट अर्न कर लूंगा, यानी कि मुझे फ़ायदा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें हमेशा जब भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं हमें हमेशा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना चाहिए, जिससे कि हमारा लॉस बच जाता है। ठीक है, तो चलिए अब ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमारा पोजीशन दिखा रहा है कि -25 पैसे का लॉस हो गया, यानी कि -15 पैसे हमारे टाटा स्टील से है और IRFC से हमारा 10 पैसे का लॉस है। अब चूंकि इंट्राडे ट्रेडिंग है तो मैं तो आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे लॉस दिखा रहा है, तो लॉस में मैं इसको एग्जिट हो जाऊंगा। आप लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे, क्योंकि आपने मान लीजिए किसी स्टॉक को बाय किया है तो कुछ सोच किया होगा, कुछ रिसर्च की होगी, तो जैसे ही उसको प्रॉफिट होगा 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद तो आप उसको सेल कर लेंगे या प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अब मुझे अभी के अभी मान लीजिए मैंने स्टॉप लॉस लगा ही दिया था, लेकिन मुझे अभी के अभी इस स्टॉक से मुझे क्या करना है, एग्जिट होना है, तो मैं क्या करूँगा इस स्टॉक पर क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, 2 ऑप्शन आ रहे हैं, बाई और एग्जिट। बाई का मतलब इसलिए आ रहा है कि आपको और क्वांटिटीज के अंदर बाई करनी है, हमारी यहाँ पे एक क्वांटिटी थी इसके अंदर, मुझे लगता है 10 क्वांटिटी मुझे और बाई करनी है, तो मैं बाई पे क्लिक कर दूंगा और क्वांटिटी बाई कर लूंगा, लेकिन लगता है मुझे निकलना है, एग्जिट करना है, इसमें सेल करना है मुझे, तो एग्जिट पे क्लिक कर दूंगा। तो आप क्या करेंगे, ये सेल ऑर्डर है, अब इसमें क्वांटिटी फिर से आ रही है, ऑटोमेटिकली बन आ गया, क्योंकि आपने 1 क्वांटिटी बाई की थी इसे बन आ गया, 10 की होती तो 10 आ जाता ऑटोमेटिक, लेकिन आपको लगता है आपके पास 100 क्वांटिटी है, आप अभी सिर्फ 50 बेचना चाहते हैं, 50 रखना चाहते हैं अभी अपने पास, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए 50 डाल दीजिए, अगर आपके पास 100 क्वांटिटी है तो। अब मेरे पे एक है तो एक आ गई है, मैं एक को निकाल दूंगा, बेच दूंगा, सेल कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं सेल कर दिया, सेल ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया है, मैं डन पे क्लिक कर दूंगा और मैं देखूंगा पोजीशन में कि पोजीशन में मेरी स्थिति क्या है। देखिए ऑर्डर्स में ऑर्डर आते हैं कि हमने क्या क्या ऑर्डर लगाए हैं, देखिए यहाँ पे सारे ऑर्डर आ रहे हैं, मैंने क्या क्या ऑर्डर लगाए हैं, और पोजीशन में मुझे पोजीशन दिखा रहा है कि IRFC के अंदर मेरा 10 पैसे का लॉस है, टाटा स्टील के अंदर भी मेरा 10 पैसे का लॉस है, और इनके ऊपर जो दोनों स्टॉक है ना,
जो लॉसेस दिखा रहा है माइनस 10 पैसे उसके ऊपर देखिए जीरो है, माइनस 10 पैसे जीरो है दोनों के अंदर। तो जीरो का मतलब ये है कि वो क्वांटिटी कितना है, जीरो है। आपने जितने स्टॉक बाई किए थे आज उतने स्टॉक आपने सेल कर दिए। अब इसके अंदर एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे कि अभी हमने क्या किया था, स्टॉक को बाई किया था। अब बहुत से लोग कह रहे हैं पहले सेल कब करते हैं। अब देखिए ये स्टॉक है टाटा स्टील, आपको लगता है कि अभी एक घंटे बाद या 10 मिनट के बाद या 2 घंटे बाद या शाम तक, आज 3:15 बजे तक 3:30 बजे तक इस स्टॉक का प्राइस गिरेगा, यानी कि अभी 165 है आपको लगता है 160 पे पहुंचेगा, 5 रुपये का आपको फायदा मिलेगा एक स्टॉक पर, नंबर ऑफ वन स्टॉक पर आपका मार्केट गिरने वाला है, तो आप क्या करोगे पहले सेल कर दोगे। ठीक है, यानी कि हमें पहले सेल कब करना है, ऊंचे पे सेल करना है, नीचे बाई करेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा, जो डिफरेंस होगा उसका। तो आप पहले सेल कर दोगे, यहाँ पे जो भी क्वांटिटी आपको लेनी है 1800 180, जो भी क्वांटिटी आपको सेल करनी है, और जैसे ही मार्केट नीचे गिर जाएगा आप बाई कर लोगे। लेकिन इसके अपोजिट अगर उल्टा हो गया कि मार्केट नीचे ना करके अगर ऊपर ही चला गया तो आपको ऊपर से बाई करना पड़ेगा और आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हम क्या करते हैं कि मार्केट से हम इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर पैसा कमाते हैं, और इस तरीके से आप स्टॉक को बाई और सेल कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताइएगा। अगर आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको एक डीमैट अकाउंट की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ग्रो ऐप का लिंक लगा दिया, उस पर क्लिक करके अपनी KYC कंप्लीट करने के बाद में आप अपना अकाउंट एक्टिवेट करवा के आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा। आपको अगर कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ नहीं आ पाई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।